नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। एक खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय नदी पर ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रभाग की ओर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए पुल के गिरने पर झारखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने इस मुद्दे पर पूर्व की रघुवर दास सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा, कांशी पुल का टूटना रघुवर दास के शासन काल में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का खेल हुआ है। यकीन मानिए, जब कांशी पुल मामले का उद्भेदन होगा तो यही बीजेपी के नेता चिल्लाते हुए कहने लगेंगे, राज्य की मौजूदा सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आदित्यनाथ पांडे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितेंद्र गुप्ता ने उस समय के मुख्यमंत्री और ग्रामीण मंत्री के कहने पर इस कांची पुल के निर्माण में अनियमितता बरती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नदी से रेत निकल गए, इसलिए पुल धंस गया। रघुवर दास के शासनकाल में बने 10 पुल ध्वस्त हो गए। डबल इंजन की पूर्ववर्ती सरकार ने जो खेल किया है, झारखंड का पैसा उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव में खर्च हुए हैं। इन सब का पर्दाफाश होगा। भाग्य समझिए कि इस दुर्घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। जब जांच रिपोर्ट आएगी तब कंपनी के संवेदक आदित्यनाथ पांडे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितेंद्र गुप्ता की अनियमितता सामने आ जाएगी। धन्यवाद।